आपका नाम? मेरा नाम अवधेश कुमार है और मैं परिवार यूनिटी रोड सेफ्टी लाइफ सेफ्टी एनजीओ से हूँ। पिछले 10 महीने से इभास हॉस्पिटल में जो ये भ्रष्टाचार चल रहा था, तो इन सभी कर्मचारियों ने हमसे आकर के हमें समर्थन लेटर दिया कि हमको समर्थन दो, हमारा साथ दो। तो पिछले 10 महीने से हम लगातार इनका साथ दे रहे हैं। तो 10 महीने में निकला ये है कि इसमें एसके सिंह जो जॉइंट डायरेक्टर है, निमेश जी देसाई जो डायरेक्टर है, कम से कम 50 बार हमसे मीटिंग कर चुके हैं कि हाँ ठीक है इनको अंदर लेंगे या ये करेंगे, या उन रोज़ एक नई मनगढ़ंत कहानी रच देते थे। और हुआ क्या, इन्होंने इस बीच में, इनके यहाँ पर 4 टेंडर है क्योंकि बहुत बड़ा स्टाफ है, कम से कम 700 लोगों की संख्या है। 700 लोगों की संख्या होते सोते इन्होंने पिछले 18 साल से इनका ESI, जो कि जहाँ 20 कर्मचारी का भी ESI मिला करता है, 700 कर्मचारी का ESI खाया हुआ है। और इसमें पीएफ जो है 23 करोड़ है, लगभग 23 करोड़ में पीएफ में होता क्या है, जो ठेकेदार पुराना था उसने क्या किया कि हम सब ने मिलकर उसके पास गए, मांग करी कि हमारा पीएफ हमें दो, क्योंकि हमने 15-15, 20-20 साल नौकरी की है। और उन्होंने क्या कहा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा टेंडर कैंसिल कर दिया गया है, मेरे 18 करोड़ रुपए इभास के पास बकाया है, आप उनसे जाके ले लीजिए। और इसमें जॉइंट डायरेक्टर एसके सिंह ये कहता है कि नहीं नहीं हमारे पास कोई नहीं है, जबकि उसने लेटर भी दिया हुआ है। कारण यह है कि एसके सिंह और निमेश जी देसाई जो डायरेक्टर है, ये दोनों ये चाहते हैं कि इसमें उनका कट हो जाए, आधा आधा हो जाए, आधा इनको मिल जाए वर्करों को, आधा उनको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और इसमें सत्येंद्र जैन बिल्कुल इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सत्येंद्र जैन हॉस्पिटल में खुद आए थे, हमने उससे खुद बात की थी। उन्होंने कहा ठीक है विधायक से बात कर लो, विधायक जो हमारे यहाँ के राजेंद्र पाल गौतम है, आज के टाइम में वो मंत्री भी हैं, पीछे जल मंत्री बनाया गया था और बहुत सारे मंत्रालय उन पर दिए गए थे, जल मंत्री तो अब ये खुद हो गए हैं केजरीवाल साहब। तो उन्होंने कहा कि यार मैं इस काम के लिए रहूँगा कि मैं इसलिए मंत्री बना था, मैं ये काम देखूँगा। तो कहने का मतलब आम आदमी पार्टी का विधायक हो या मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कोई भी इस प्रकार का जैसा भी जिससे भी बात करते हैं वो हर आदमी अपने अलग बात बताते हैं। देखो ये हैं निमेश जी देसाई, ये इभास हॉस्पिटल के हैं, इनके खिलाफ मीडिया टुडे ने जो है पूरी पत्रिका छापी हुई है, इनके इतने बड़े काले चिट्ठे इसमें लिखे हुए हैं, इसमें एसके सिंह की फोटो भी है, CB त्रिपाठी काले चश्मे वाला चोर है, ये इनका शकुनी है, इसमें इन्होंने बोर्ड पे भी लिखा है शकुनी है, क्योंकि डायरेक्टर तो ये है लेकिन हॉस्पिटल को ये कुछ लोग ये चला रहे हैं मिलकर के, क्योंकि ये इनका मीडिएटर है, पैसा खिलवाने वाला, 25 करोड़ हो या 200 रुपये हो या 25 लाख रुपये जो भी है सब ये मिलकर खिलाता है। तो ठीक है सब, टोटल कितने लोग होंगे जिनको निकाला गया है? अभी तो टोटल 250 लोग हैं, लेकिन आने वाले अगले महीने तक सारे के सारे चेंज कर दिए जाएंगे। कम से कम 700 कर्मचारी हैं, 700 के 700 को बदलने की प्रक्रिया इनकी चालू है। और उसमें 1-1 लाख रुपया नए कर्मचारियों से ले रहे हैं, क्योंकि एक साल हो गया कम से कम। केजरीवाल ने 15 अगस्त को यह कहा था कि मैं ठेका कर्मचारी हैं उनको सबको पक्का कर दूंगा, इस बात को लेकर इन्होंने नाजायज फ़ायदा उठाया कि इनको पक्का कर दिया जाएगा। तो ये 15 साल से पुराने ठेके, ये पुराने थे तो ये तो पैसा नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत पुराने हैं, इनको हटा करके नए भर्ती कर रहे हैं 1-1 लाख में। ये लालच दिया गया है कि इनको पक्का करने के लिए 1-1 लाख रुपये दो और आपको पक्का करा जाएगा। यही ठीक है, धन्यवाद।